इस वेले की वड्डी खबर सामने आ रही है। पंजाब दे साबका डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल ते है गोल्डन टैंपल दे गेट ते फायरिंग की गई है। दस दिए कि गोली दीवार ते जाके लगी जिस विचो बाल बाल बच गए। सो घटना की वीडियो भी सामने आई है। व्यक्ति हाथ विच पिस्टल लेके भजदा होया सुखबीर बादल वल गया ते उसने फायरिंग कर दी। उसे वेले खड़े सुरक्षा कर्मिया ने व्यक्ति नूं फड़ लिया ते पिस्तौल है जिहड़ी उस तों खोली गई है। दस दिए कि सुरक्षा कर्मिया ने सुखबीर बादल नूं घेर लिया। घटना तों बाद गोल्डन टैंपल दे बाहर सुरक्षा भी वधा दित्ती गई है। सो व्यक्ति की पहचान गुरदासपुर दे डेरा बाबा नानक दे रहन वाले नारायण सिंह चौड़ा दे रूप विच हुई है। अते दल खालसा दा मैंबर भी दस्या जा रहा है। सो दस्सदी है कि 2 दिसंबर नूं श्री अकाल तख्त साहिब ने राम रहीम नूं माफी देण समेत 5 मामलिया दे विच सुखबीर बादल अते श्रोमणी अकाली दल सरकार दे दौरान होर कैबिनेट मैंबरां नूं धार्मिक दुराचार दे दोषां दे लई सज़ा सुनाई सी। ਸੋ ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਦੇ ਗੇਟ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਜਾ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਲ ਬਾਲ ਬਚ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਰਿਪੋਰਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਾਏ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰਾ ਵੇਖੋ ਇਸ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਆ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੁਨਾਹ ਕਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇਖੋ ਨਾ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਡੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਗਿਆ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਰੋਕ ਦਈਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਡੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਲੀਜ਼।